ये एक बहुत ही चमत्कारी पौधा है। ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं दोस्तों, ये है अजवाइन की पत्तियां। वैसे तो अजवाइन का सेवन हर घर में किया जाता है और इसके कई फायदे भी हैं, लेकिन अजवाइन के साथ साथ इसकी जो पत्तियां होती हैं उसके भी अनगिनत फायदे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अजवाइन की पत्तियों का सेवन आप किस किस तरीके से और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपको कब्ज की समस्या हो, पेट में दर्द रहता हो, मरोड़ उठते हो, पेट में गैस एसिडिटी की समस्या रहती हो या फिर खाना हजम नहीं होता हो, तो आप अजवाइन की पत्तियों का सेवन करें। कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले आप दो अजवाइन की पत्तियां ले लें, पत्तियों को अच्छे तरीके से धो करके साफ़ कर लें। उसके बाद में आप सुबह सुबह खाली पेट केवल दो अजवाइन की पत्तियों को अच्छे तरीके से चबा करके उसका सेवन करें। पत्तियों को अच्छे तरीके से चबा लें और उसके बाद में एक ग्लास आप नॉर्मल पानी पी लें। जो लोग पत्तियों को नहीं चबा सकते हैं वो क्या करें, दो पत्तियां लेकर के उसको अच्छी तरीके से पीस करके उसकी चटनी तैयार कर लें, और पीसने के बाद में आप इनको आराम से ले सकते हैं। और अगर छोटे बच्चों के पेट में दर्द होता है ना, तो आप इसका रस निकाल करके उनको एक चम्मच पिला दें, तुरंत ही उनको पेट दर्द में आराम आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक तरीका है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर आप इस तरह से पत्तियों को नहीं खा सकते तो आप क्या करें, एक ग्लास पानी में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं। तो पेट के जितने भी रोग हैं ना, उनके लिए तो ये एक रामबाण दवा है। अगर अजवाइन के दूसरे फायदे की बात करें तो जैसे मौसम बदलने पर सर्दी जुखाम की समस्या बहुत जल्दी पकड़ लेती है, जैसे अब गर्मी से सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इस मौसम में अजवाइन की पत्तियां, अजवाइन का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगवाएं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। जिन लोगों को सर्दी जुखाम जल्दी पकड़ लेता है, कफ की समस्या बनी रहती है, तो ऐसे में अगर अजवाइन का पौधा आपके घर में होगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। आप क्या करें दोस्तों, अजवाइन की कुछ पत्तियां लेकर के उसको पीस करके उसका रस निकाल करके भी सेवन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ आप अजवाइन की पत्तियों का पानी बना करके पिएं, आपको सर्दी खांसी जुखाम कफ से तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगा। एक ग्लास पानी में कुछ अजवाइन की पत्तियां डाल करके उसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लें, अच्छे से उबाल लें। चाहे तो आप इसमें 2 से 3 काली मिर्च भी डाल सकते हैं। जैसे हमने 100 ml पानी लिया है, तो ये घट करके 40-45 ml तक रह जाए, तब तक आपको इसे अच्छे तरीके से उबाल लेना है। और उबालने के बाद में इसका एक काढ़ा जैसा बन करके तैयार हो जाएगा। इसको छान लें और छानने के बाद में आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके इसका सेवन करें। अजवाइन के पत्तों का जूस, इसके पत्तों का पानी किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको इसका सेवन नहीं करना है। अगर आप पत्तियों का रस सेवन कर रहे हैं तो केवल 1 से 2 चम्मच रस का ही सेवन करें। ये जो हमारा काढ़ा बनकर के तैयार हुआ है, इसे आप दिन में 2 से 3 बार लें। इसके अलावा कई लोगों के मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो भी आप अजवाइन की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक माउथ फ्रेशनर की तरह काम करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं अजवाइन की पत्तियाँ। दोस्तों, आप अजवाइन की पत्तियों को सुखा करके भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें चाय में मिला करके ले सकते हैं या फिर पानी में मिला करके इसको आप डिटॉक्स ड्रिंक की तरह से भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें भरपूर फाइबर, भरपूर कैल्शियम होता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को जोड़ों में, घुटनों में, कमर में, कंधे में दर्द रहता है, तो उनके लिए भी अजवाइन की पत्तियों का सेवन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, तो आप क्या करें, अजवाइन की पत्तियों का पानी बना करके ना उस जगह पर सिकाई करें, आपको तुरंत ही इससे आराम मिलेगा। तो केवल 2 अजवाइन की पत्तियों को आप सुबह सुबह चबा करके खा लेते हैं ना, तो आपके जोड़ों घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। ये आपके पेट के साथ साथ आपके फेफड़ों को भी स्वस्थ रखती हैं। अर्थराइटिस की समस्या है, गठिया की समस्या है, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो लोग अगर अजवाइन की पत्तियों का पानी बना करके पीते हैं, 1 ग्लास पानी में 3 से 4 अजवाइन की पत्तियों को डाल करके उसको अच्छे तरीके से उबाल लें, और जब ये पानी घट करके आधी मात्रा में रह जाए ना, सुबह सुबह खाली पेट आप इसको गर्म गर्म पिए, कुछ ही दिनों में आपके पेट की, कमर की चर्बी खत्म हो जाएगी।
तो आज ही आप इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगवाएं और इसके औषधीय गुणों से फ़ायदा उठाएं। और आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।